दोस्तों सन 1650 के आसपास पुर्तगाली यहाँ पे आए, ये सब ने हिस्ट्री और गूगल पढ़ा हुआ है। और उससे पहले मुग़लों ने इस मडगांव को भी लूटा। ये एक जगह पहले मठा, ये हिंदुओं का मठा ग्राम था, यहाँ मठ ही मठ थे कई तरह के। और फिर उसके बाद जो है मुसलमानों ने उस टाइम में इस जगह को लूटा और फिर सब पुर्तगेजी आ गए। ये उसके बाद ज़्यादातर ये कल्चर है उनका ही पुर्तगेजी का है, फिर मिक्स होता चला गया। और बस ये यही है कि यहाँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्डिंगें हैं और लोग हैं, सो कमर्शियल काम ज़्यादा है, संस्कृति है यहाँ। दोस्तों थोड़ा सा मैं ऐसे गोवा का कुछ और थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। यहाँ दिन बहुत लेट शुरू होता है, कोई लोग 11-12 बजे तक आपको नहीं मिलेंगे, वो शायद सारे हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर बनता जा रहा है। और नाइट लाइफ यहाँ ज़्यादा है, तो हर जगह छोटी थोड़ी सा लैंड एरिया होता है, बिल्डिंगें होती हैं। उसके बाद ये देखिए ये रोड जा रही है, ऐसी रोड जाएंगी, ये सब क्या जंगलों में घुस जाएंगी और या किसी आपको बीच पे ले जाएंगी या कुदरती नज़ारे पे ले जाएंगे। ये सबको मस्ट विज़िट स्टेट है, सबको पता है, पर लेकिन अब बेस्ट टाइम आ चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जब यहाँ सबसे ज़्यादा रौनक होती है। तो अपने बैग पैक करने शुरू कर लीजिए, पैसे इकट्ठे कर लीजिए।